तो गाइज़ अभी हम लोग यहाँ से निकले हैं करनाड़ी जाने के लिए। हम बीच रास्ते में हैं, करनाड़ी थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। यहाँ से करनाड़ी 8 किलोमीटर की दूरी पे है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त तृप्ति। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे और देखते रहिए नए नए वीडियो, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो हमने आज डाकोर में रणछोड़ राय जी का दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद हम लोग वहाँ से निकले सीधे करनाड़ी। कुबेरेश्वर महादेव का टेम्पल है वहाँ पे, माँ नर्मदा नदी के किनारे। तो हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ पे हम लोग दर्शन करने वाले हैं श्री कुबेरेश्वर महादेव के। जाना जाता है कि वो बहुत ही पुराना मंदिर है और माँ नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। बड़ोड़ा से करीबन 45 किलोमीटर आगे है नर्मदा नदी के किनारे पे ये कुबेरेश्वर महादेव का टेम्पल है। करनाड़ी गांव है, करनाड़ी गांव में ये स्थित है। तो चलो हम लोग चलते हैं कुबेरेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए, और वहाँ पे क्या उसका इतिहास है तो वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे, और मंदिर के भी पूरे दर्शन करवाएंगे अगर वहाँ पे अलाउड होगा तो। शायद तक तो अलाउड नहीं है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको मंदिर के पूरे दर्शन करवा सके। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे बहुत लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं, और यहाँ पे मान्यता भी है कि 5 अमावस्या पड़ने पर सबकी मनोकामनाएं बहुत अच्छी तरह से परिपूर्ण होती है। तो गाइस, हम लोग कुबेर भंडारी के पार्किंग में पहुँच चुके हैं। यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की है और यहाँ से हम चलते हैं कुबेर भंडारी टेम्पल। यहाँ से करनाड़ी का मार्केट शुरू होता है। यहाँ पे खरीदारी की सब चीज़ें मिलती है, पूजा वगैरह सामान अगर खरीदना हो, कोई भी चीज़ खरीदनी हो तो मिल सकती है यहाँ पे। तो गाइज़, हम लोग कुबेर भंडारी के मंदिर में पहुँच चुके हैं, एंट्री कर चुके हैं, अभी दर्शन करते हैं। लाइन नहीं है क्योंकि आज भीड़ नहीं है, क्योंकि अमावस्या कल है। तो अभी हम दर्शन करेंगे, आराम से दर्शन भी हो जाएंगे क्योंकि बहुत भीड़ नहीं है। अमावस्या के दिन बहुत भीड़ होती है, रात को 12 बजे से यहाँ पे दर्शन शुरू हो जाते हैं, लाइन शुरू हो जाती है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे इतना पुराना टेम्पल है और मान्यता भी बहुत ही है। तो अमावस्या के दिन यहाँ पे बहुत लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो चलो आज हम भी दर्शन करेंगे और कल भी करेंगे अमावस्या के दिन, और कैसी भीड़ होती है वो भी आपको दिखाएंगे। कहा जाता है कि कुबेर रावण का छोटा भाई था। रावण भगवान शिव को प्रसन्न करके बहुत शक्तिशाली बन गया था और उनके भाई को लंका से निकाल दिया। फिर कुबेर नर्मदा नदी के किनारे करनाड़ी आकर भगवान शिव का तप करने लगा, और यहाँ पर महाकाली माता को उनकी रक्षा करने की प्रार्थना की। उनकी भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हुए और यहाँ पर प्रकट हुए, और लंका का राज्य वापस दिलाने में वे असमर्थ थे, इसीलिए उनको देवताओं के धन की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई। इसीलिए इन्हें धन के देवता कुबेर भंडारी कहा जाता है। भगवान शिव ने उन्हें अपने साथ स्थान दिया और इस जगह पर स्वयंभू प्रकट हुए। तब से ये स्थान लोगों के आस्था का केंद्र बन गया है।
कुबेर महाराज के अलावा यहाँ पे संकट मोचन हनुमान, महाकाली माता टेम्पल, रणछोड़ राय जी के सब मंदिर है यहाँ पे, तो हम लोग दर्शन करते हैं इनके। कुबेर भंडारी का ये यहाँ से मेन गेट है, तो जब भीड़ कम होती है तो यहाँ से ये रास्ता यूज़ करते हैं सब लोग। अगर भीड़ ज़्यादा होती है अमावस्या के दिन जैसे कि, तो उसका दूसरा भी गेट है, तो वहाँ से सब लोग को जाने दिया जाता है। तो इसी रास्ते से होते हुए हम लोग एक बार फिर दर्शन करने अंदर जाएंगे, तो चलिए चलते हैं। हर जगह से अमावस्या के दिन यहाँ से, मतलब कि वडोदरा से या डभोई से करनाड़ी तक यहाँ पे व्हीकल के बंदोबस्त किए जाते हैं, खानगी व्हीकल्स भी यहाँ पे रखे जाते हैं। बात नहीं है, कुबेर भंडारे का यहाँ पे अन्नक्षेत्र चलता है, बिल्कुल निशुल्क भोजन की व्यवस्था यहाँ पे की गई है, और यहाँ पे नजदीक में उनकी धर्मशाला भी है। तो धर्मशाला में अगर आपको बुकिंग करवाना है तो पहले से आपको एडवांस बुकिंग करवाना पड़ेगा, क्योंकि अमावस्या के दिन यहाँ पे रूम नहीं मिलते हैं, तो एडवांस बुकिंग होगा तो भी मिलेंगे। यहाँ पे महाकाली माता का टेम्पल है, यहाँ से होते हुए हम लोग नीचे जाएंगे, यहाँ से नर्मदा नदी का तट है, तो इसी रास्ते से होते हुए हम लोग नर्मदा नदी के तट पर पहुँचते हैं, और वहाँ से भी आगे अगर जाते हैं तो सामने के रास्ते पर पोइचा है, तो पोइचा में भी आप दर्शन कर सकते हैं स्वामीनारायण भगवान के। और करनाड़ी तक आने के लिए आप नज़दीकी हवाई अड्डा से अगर आप आना चाहते हो तो बड़ौदा से हवाई अड्डा करीबन 60 किलोमीटर पड़ता है, और वहाँ से आप टैक्सी या बस के ज़रिए यहाँ पे पहुँच सकते हैं। और रेलवे के माध्यम से अगर आप आना चाहते हो तो बड़ौदा रेलवे स्टेशन है नज़दीकी, वो 60 किलोमीटर पड़ता है, तो 60 किलोमीटर वहाँ से फिर आप बस के ज़रिए या टैक्सी के ज़रिए यहाँ पे पहुँच सकते हैं। और रास्ते के माध्यम से तो आप बड़ौदा से सीधा रिक्शा, टैक्सी, कोई भी व्हीकल करके यहाँ पे आ सकते हैं। अमावस्या के दिन बड़ौदा से स्पेशल करनाड़ी के लिए परिवहन द्वारा बस का इंतज़ाम भी किया जाता है, जिससे सरलता से यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो गाइज, ये है नर्मदा नदी, यहाँ पे नाव की व्यवस्था की गई है। यहाँ से अगर कुबेर भंडारी से अगर हमको पोइचा जाना है या पोइचा से कुबेर भंडारी तक आना है तो ये नाव यूज़ कर सकते हैं, और नाव में आने जाने का चार्ज वो लोग लेते हैं। अगर यहाँ पे नाव से भी नहीं आना चाहते तो सीधे करनाड़ी का भी रास्ता है, तो गाड़ी वहाँ तक पार्किंग में भी आ सकती है डायरेक्टली। आज बहुत ही लेट हो गया, कल अमावस्या है, दर्शन करने के लिए फिर से एक बार कुबेर भंडारी जाना है। और गाइज, अगर आप खाना नहीं खाया हो तो जल्दी खा लेना,
क्योंकि यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था बहुत कम होती है रास्ते में। अगर मंदिर में जगह नहीं मिली खाने पीने के लिए तो आपको बाहर नाश्ता करने आना पड़ेगा, और नाश्ते में या खाने में बाहर कुछ भी अच्छा नहीं मिलता है क्योंकि बहुत कम दुकानें हैं खाने पीने की। खरीदारी की सब दुकानें मिल जाएगी पर खाना पीने की बहुत कम मिलेगी। आज अमावस्या है, देखिए गाइस तो यहाँ पे कितनी सारी भीड़ लगी हुई है। अभी तो हमने बहुत लाइन में रह के जल्दी उठे थे सुबह, लाइन में रह के यहाँ पे लाइन कवर करके यहाँ पे तक पहुँचे हैं, और अभी दर्शन करेंगे फटाफट और यहाँ से निकलेंगे। बहुत भीड़ होती है तो आप रात को 12 बजे से मंदिर स्टार्ट होता है, तो 12 बजे से लाइन में लगोगे तो जल्दी नंबर आ जाएगा, या फिर आपको सुबह जल्दी 4 बजे निकलोगे तो ही आपको कवर हो पाएगा, क्योंकि मिनिमम 4-5 घंटे की लाइन तो होती ही है यहाँ पर। तो हम लोग भी लाइन में खड़े हैं गाइस, देखो यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, बहुत सारी जगह है वहाँ से दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं यहाँ पर। फिर से एक बार हम आपको कुबेर भंडारी के दर्शन करवा देते हैं दूर से। ये ऊपर देखिए कैसा मस्त लग रहा है, और यहाँ पे टीवी में भी भगवान के दर्शन हो रहे हैं, देखिए कुबेर भंडारी के दर्शन हो रहे हैं। गाइस हमारा तो कुबेर भंडारी का प्लान बहुत ही अच्छा रहा और अच्छी तरह से हमने दर्शन किए। अमावस्या के अगले दिन भी हमने दर्शन किए और अमावस्या के दिन भी दर्शन किए। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे अहमदाबाद जाने के लिए, तो अहमदाबाद जाके पता चलेगा कि हम लोग का प्लान क्या है वहाँ पे जाके, बराबर। अगर कोई प्लान नहीं होगा तो वहाँ से सीधा घर जाएंगे। तो इस व्लॉग को हम यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर हमारी चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।